स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। पहले हम अपनी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले वीक जो हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूव जो है वो 2017 के आसपास थी और मेरा ये मानना था कि ये 2001 तक आने के चांस होंगे और यहाँ से ये दोबारा बुलिश होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर नीचे का लेवल हो सकता है, लेकिन ये के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस थे। और यहाँ पर 2015 वाला जो एक माइनर लेवल था उसको ना ब्रेक करने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव किया, वहीं से जो है वो इस ऊपर मूव हुई और नियर अबाउट 2070 के आसपास तक कल आई लगा के वीक क्लोज हुआ। और वीकली क्लोज जो है वो 2052 पे लगा। तो यदि हमारे पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट, मैंने ये कहा था कि ऊपर के एरिया आप देख लीजिएगा, जिस तरह ये है अगर ये 2032 से रिजेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर यही देखा जाता है कि हम मार्केट को किस तरह हो। देखें ये, देखें ये पहले दिन जो है वो इसने शेडो लगा के ब्रेक क्लोज शेडो लगा के क्लोज किया बुलिश में, दूसरे दिन इस लेवल को ब्रेक क्लोज किया, वैसे भी ये ऑलरेडी ब्रेक था तो इसने आसानी के साथ जो है वो ब्रेक किया इसको और क्लोज भी किया। अब आगे सेकंड लेवल इसको टेस्ट करें, दूसरे दिन फिर इसने नीचे क्लोज किया, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पर H4 के साथ जो है वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो है इसने उसी एरिया को जो है स्टे लिया और यहीं से जो है वो पुलिश हो गया। तो ये कि लेवल को हम जो है वो इसी तरह से ही जज कर सकते हैं और तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारे मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल बेस पे ही है और इसका बेसिक जो वे है या जिस बेस पे ये है वो तो सबको पता है, मैंने बताया भी है, ये वेव्स के बेस पे है और हमें मॉनिटर करना किस तरह है वो वेव जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ही हैं, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। इसके ऊपर जितनी बेहतर तरीके से ग्रिप बना लेते हैं लेवल के हिसाब से तो हम एक अच्छी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो किस तरह इसके ऊपर जो है वो मैनेज करना है लेवल्स को, किस तरह इसको देखना है, किस तरह हमें कन्फर्मेशंस मिलती हैं, उसके लिए भी मैंने लाइव सेशन किए हुए हैं M15 के हवाले से, तो वो भी अगर देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें लेवल टू लेवल जो है मार्केट को किस तरह फॉलो किया जाता है। हमारे लेवल फेल नहीं होते, ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब देखेंगे कभी भी हमारे लेवल फेल नहीं होते, अगर एक लेवल ब्रेक होता है तो दूसरे लेवल तक मार्केट जाती है, उससे फिर 10-20 पिप्स के हवाले से डिफरेंस हो सकता रह जाए, लेकिन ये नहीं है कि वो ब्रेक करे और फिर उसको जो है वो दूसरे लेवल को टेस्ट ना करे। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक के लेवल्स क्या होंगे। नेक्स्ट वीक के लेवल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में जो है वो 2062 से लेकर 2075 का एरिया जो है ये वीकली मेजर जो है वो रेजिस्टेंस है और माइनर एक लेवल है 2015 से लेकर 2001 का, और उसके नीचे जो है वो 1974 और 1950। अब हम इसको फिलहाल ये माइनर सपोर्ट पे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुआ है
अब अगर हम इसको जज करें तो फर्स्ट डे वीक के स्टार्ट में हो सकता है ये थोड़ा बहुत थोड़ा सा आप जाए 55 या फिर थोड़ा आप भी जाए शायद। और यहाँ से जो है वो इसके ये चांस होंगे नीचे आने के, और नीचे यहाँ तक जो है ना 2038 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। मतलब ये जो 4 का एरिया ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डे ब्रेक क्लोज होता है, डे में ब्रेक क्लोज होता है, तो फिर ये दोबारा जो है वो अपसाइड जाने के बाद ही शायद जो है ना वो सेल हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये इसको पहले शेडो ब्रेक करे और फिर जो है वो ऊपर जाए 2062 के पास, और वहां से अगर ये एरिया सिंगल कैंडल भी ब्रेक क्लोज होता है तो हो सकता है ये दूसरी कैंडल में जो है वो ऊपर ले जाए इसको, और वहां से फिर जो है वो इसके काफी हद तक चांस होंगे 2062 से जो है अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है तो फिर इस तरह। और ये भी हो सकता है अगर ये यहाँ से प्रॉपर टेस्टेड रहता है ये एरिया दोबारा से यहाँ तक, इट मीन्स कि 2034 का एरिया जो है अगर ब्रेक ना हो वीक, अगर यहाँ पर डे जो है वो बुलिश क्लोज कर दे तो ये दोबारा जो है वो यहाँ तक अगर, और ये ब्रेक क्लोज होगा तो फिर 2075 या फिर मजीद ऊपर की तरफ मूव होगी। ऊपर जो है वो 2075 से ऊपर डे की क्लोज लगे तो उसके बाद हम इसको मजीद देख सकते हैं बुलिश के अंदर, अदरवाइज ऊपर के एरियाज में तो हम इसको बाय में नहीं देख सकते। और बाकी अगर हम देखें मेरा ख्याल है कि यही इम्पोर्टेंट रहेगा, और अगर ये एरिया 2001 अगर ब्रेक क्लोज होता है डे में तो फिर हम इसको 1974, मैंने फिलहाल एरो तो नहीं लगाया, लेकिन फिर ये अगर ब्रेक क्लोज होता है डे में और नीचे स्टे करता है 2001 के, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये है कि ये एक सपोर्ट लेवल था लेकिन ये ऊपर से ब्रेक क्लोज तो हुआ है सिंगल कैंडल में, लेकिन दूसरे में बुलिश क्लोज हो गया ऊपर। तो इस तरह से होता है कि यहाँ अगर ये ब्रेक क्लोज हो भी जाए तो हमें दूसरे कैंडल का भी वेट करना है, मतलब दूसरे दिन भी उसके नीचे रेजिस्टेंस शो करे। और अगर ये कैसे शो करेगा तो फिर इसके लिए हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम, मतलब डेली एनालाइज जो हमारी होती है उसमें भी इसको फॉलो करके जो है ना वो समझ सकते हैं कि क्या पोजीशंस बन सकती हैं। अगर हम वीक की बात करें तो वीक भी कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये 2034 के नीचे वीक का क्लोज होता और जहां तक गया यहाँ जाके फिर आके अगर ये यहाँ क्लोज करता, या फिर तकरीबन अगर 2050 के नीचे क्लोज होता तो फिर हम इसको एक अच्छी सेलिंग कह सकते थे, लेकिन फिलहाल जो है वो वन साइडेड कोई बात नहीं कर सकते। और मैंने जैसे पहले भी पिछले वीक भी बताया था कि दिसंबर चल रहा है और अब तो ये दिसंबर का लास्ट वीक होगा, तो इसमें जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, इसलिए आप लेवल टू लेवल ही और परफेक्ट, मतलब एक अच्छे से कंफर्मेशन हो वहां पर ही अपनी एंट्री बनाइएगा और रिस्की मतलब ट्रेड मत करिएगा। सो मेरे हिसाब से मुझे जो है वो यही लग रहा है, मैं ज्यादा यहाँ पर वन साइडेड बात नहीं करूंगा क्योंकि वन साइडेड फिलहाल कंडीशंस नहीं है, और ये एरिया एज ए सपोर्ट था तो ये फर्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट अब जा भी चुकी है। अब यहाँ से ये रिवर्स होता है या फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखता है वो फिर जो है वो इस इन एरियाज के अंदर ये एरिया भी तकरीबन 2034 डिसाइड कर देगा। अगर वैसे ऑलरेडी ब्रेक भी है ये भी पता था, चलो ये अपसाइड ब्रेक हुआ है तो ये नीचे की तरफ भी ब्रेक हुआ है, फिर जो है वो ब्रेक हुआ है तो फिर नीचे ब्रेक हुआ है। लेकिन होता यह है कि अगर रेजिस्टेंट में ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंट को शेडो ब्रेक भी कर दे तो वो फिर उसी सपोर्ट को, जिस तरह ये यहाँ पर ली हुई है ये ब्रेक तो हुआ हुआ है लेवल, लेकिन जब इसने अपसाइड ब्रेक किया तो इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया, तो इसी तरह से ये इसको भी एज ए सपोर्ट ले सकता है।
इसके नीचे अगर ये दो कैंडल, मतलब एक कैंडल ब्रेक क्लोज करे फिर स्टे करे यहाँ से, तो फिर यहाँ तक का एरिया होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। और ऊपर अगर ये 2062 के ऊपर है, डे का एक क्लोज करे और फिर स्टे करे दूसरे दिन भी, देखिए ये यहाँ पर ब्रेक क्लोज तो किया था लेकिन दूसरे दिन ये बहुत नीचे आ गया। तो ये जरूर देखिएगा कि कंफर्मेशन किस तरह होगी, क्योंकि हम वीकली एनालाइज है तो हम डे के क्लोज के सिवाय हम इसको जो है वो किसी लेवल पर मॉनिटर नहीं कर सकते। तो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो हमें याद रखिए। Thank you.